यवतमाल जिले के पुसद शहर में वाशिम रोड पर रविवार दोपहर करीब 2 बजे हत्या की वारदात सामने आई थी। इस घटना में बाइक सवार हमलावरों ने होटल जमजम के सामने खड़े एक युवक पर गोलियां बरसाई। सूत्रों ने बताया कि हमलावरों ने इम्तियाज खान सरदार खान नामक युवक पर दिन दहाड़े बंदूक तान दी। ऐसे में जान बचाने के लिए भागते युवक का कुछ देर पीछा कर बंदूकधारी हमलावरों ने उसके सिर, पैर और पेट पर गोलियां दागी और वे फरार हो गए। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज की धुंधली तस्वीरें हाथ आई है, जिसमें बाइक सवार आरोपी बाइक से उतरकर मृतक इम्तियाज के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अचानक हुई हत्या की इस वारदात से लोग सकते में पड़ गए। कुछ देर बाद घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हुई और खून में लथपथ युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मालूम हो कि वो घटना पुसद के वसंत नगर पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र में घटी थी। घटना का पता चलते ही वसंत नगर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की और रविवार देर रात को पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में ओमकार पाटिल उर्फ मन्या, फैजल अली शेख और शेख हाफिज शेख कादिर शामिल है। इस पूरे मामले में यवतमाल पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। इम्तियाज सरदार खान या युवकाची गावठी देशी कट्ट्याद्वारे फायरिंग करून हत्या झालेली आहे। या घटनेमध्ये मयत इम्तियाज याचे वडील सरदार खान यांनी फिर्याद दिलेली आहे। त्याप्रमाणे भारतीय दंडविधान कलम 302 120 ब 109 34 या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। मयत इम्तियाज यांच्या मृतदेहाचा पंचनामा इन्क्वेस्ट पंचनामा करून पुढील पोस्टमार्टमसाठी मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यवतमाळ या ठिकाणी रवाना करण्यात आलेला आहे। या गुन्ह्यातील आरोपींपैकी मन्या उर्फ ओंकार पाटील, त्याचप्रमाणे फैजल अली खान आणि शेख हाफिज शेख कादर या 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। इतर जे आरोपी या गुन्ह्यामध्ये आहेत त्यांच्या ठाव ठिकाणांनी माहिती घेऊन आमची पथकं त्यांच्या मागावर आहेत आणि त्यांनाही त्वरित अटक करून जी रिकव्हरी आहे, जे गुन्ह्यात वापरलेले फायरिंग वेपन आहेत ते रिकव्हर करून आम्ही पुढचा तपास करत आहोत। याबद्दल जो मयत आहे इम्तियाज याच्याविरुद्ध यापूर्वी पुसद शहर, वसंतनगर, उमरखेड, दराटी या 4 पोलीस स्टेशनला अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत। त्याचप्रमाणे जो आरोपी यामध्ये अंजुम खान, लियाकत अली खान याच्याविरुद्ध 2015 MCOCA मोका अंतर्गत खंडाळा पोलीस स्टेशनच्या गुन्ह्यामध्ये कारवाई करण्यात आलेली होती। त्याच्याविरुद्धही जे गुन्ह्यांचा अभिलेख पाहून जानेवारी महिन्यामध्ये असाच अवैध शस्त्रास्त्र आणि स्फोटकं बनवण्याचं साहित्य बाळगल्याप्रमाणे गुन्हा दाखल होता आणि यवतमाळ जिल्हा पोलीस दलाने त्याच्याविरुद्ध MPDA अंतर्गत प्रस्ताव सादर केला होता। माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी MPDA बद्दलचे स्थानबद्धतेचे आदेश जारी केले आणि 1-6 दिवसापूर्वी त्याला ताब्यात घेऊन जेलमध्ये स्थानबद्ध करण्यात आलेलं आहे। तर या संपूर्ण प्रकारामध्ये जे अवैध शस्त्र बाळगल्या प्रकरणाचे गुन्हे आहेत आणि किंवा जिथून ही शस्त्रास्त्र आणलेली आहेत त्याबद्दलचा इन डेप्थ आणि डिटेल तपास या निमित्त आम्ही करत आहोत। मालूम हो कि मृतक इम्तियाज खान पर पुसद पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अन्य थानों में भी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इसी तरह पुसद पुलिस मृतक पर हमला करने वाले और हमले की योजना तैयार करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।